जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। और आज हम लोग आए हुए हैं ट्राइबल कल्चरल सेंटर जो झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्राइबल माने आदिवासी, झारखंड के जितने भी आदिवासी से संबंधित यहाँ हर प्रकार के आपको सामग्री देखने को मिल रहे हैं। उनके रहन सहन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी सामग्री, चाहे कुदाल हो, चाहे गैता हो, चाहे मांदर हो, चाहे हर प्रकार के इक्विपमेंट, हर तरह के सामान आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ प्रदर्शनी के साथ साथ समझ लिए कि एक म्यूज़ियम जो ट्राइबल से रिलेटेड इक्विपमेंट सब यहाँ आपको अवेलेबल है, देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ, देखिए बांस से बना हुआ ये खिचला है, ये किसी भी सामान को रखने में काम आता है। ये खजूर का झाड़ू है, देखिए ये सब बांस का बना हुआ है, बहुत तरह से है। ये हमारे बाबा हैं, देखिए ट्राइबल लोग का कपड़ा है, ये कांसा का थाली है, गिलास है, जिसको हम लोग बहुत पहले से आदिवासी समाज में इसको इस्तेमाल करते आ रहे। देखिए हमारे यहाँ किस तरह पहले रहते थे लोग। यहाँ देखिए सिलोट है, यहाँ हांडी है, देखिए इस गगरी है, पंखा है, और देखिए यहाँ अनेक तरह के वाद्य यंत्र भी है। जैसे कि ये मांदर है, देखिए मांदर में भी कई प्रकार के मांदर होते हैं, तो मांदर के भी वैरायटी है इसके, और बाद में हम आपको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन यहाँ देखिए मांदर, ढाक, नगड़ा, अन्य प्रकार के बहुत से सामग्री यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देखिए हमारे आदिवासी संस्कृति में महिलाएं सिंगार के रूप में कुछ कुछ पहनती थी, जिसको हंसली, चंदवा बोलते हैं, वो भी आपको देखने को। वहाँ देखिए लकड़ी का एक हल भी दिख रहा है आपको। ये देखिए गला में एक हंसली लगाई हुई है, पैर में है, पैरी है, ये कांसा, पीतल और बहुत तरह के चांदी के से भी बनते हैं ये सामग्री। ये देखिए ये सब सिंगार के सामान है। ये देखिए बांसुरी है, यहाँ देखिए वाद्य यंत्र सब है। और मतलब आपको आदिवासी समाज में जितने भी प्रकार के सामग्री जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वो सामग्री आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। देखिए यहाँ पिंजड़ा है, आदिवासी लोग अपना पक्षी को, चिड़िया को, तो इस पिंजड़े में रखते थे। देखिए उनके कपड़े हैं। ये देखिए ये फांस है, ये फांस मतलब है कि कोई भी पक्षी या जंतु को फंसाने के लिए प्रयोग में, जैसे वो कुमनी है, कुमनी मछली मारने के लिए, मछली को बजाने के, मतलब उसको फंसाने के लिए इसको उपयोग में किया जाता है। यहाँ देखिए ये लिपि है, हो लिपि है, ये हो लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए इसको हम लोग दौली बोलते हैं। देखिए यहाँ अनेक तरह के ये सामग्री जो काटने के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे ये टांगा है देखिए, और ये देखिए ये पैला। पैला एक ऐसा सामग्री है जिससे कि हम एक कोई भी सामान, इससे हम धान, मड़ुआ, चावल, इस प्रकार के किसी भी चीज़ को मापने का काम करते हैं। एक पैला बराबर लगभग 1 किलो माना जाता है। धान चावल को मापने का काम किया जाता था पैला में। और देखिए मछिया भी था यहाँ। यहाँ देखिए बहुत से लोग आए हुए हैं, यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए भी आते हैं। यहाँ इस ट्राइबल कल्चरल सेंटर में आपको उराव से संबंधित आपको गाना बजाना, हर तरह का चीज़ की यहाँ शिक्षा दी जाती है और उनके बारे में जानकारी भी दी जाती है। यहाँ देखिए लोग, ये छाता है, ये एक गुंगू पतई है। गुंगू पतई का पहले लोग क्या बोलते हैं, रेनकोट बनाते थे पत्ता का, जिसको बरसाती बोलते हैं, और ये बांस का छाता था। ये हमारे देखिए ग्रुप मेंबर्स हैं जो यहाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी दूर दूर से आए हुए हैं अपने कला संस्कृति के बारे में जानकारी लेने, सीखने के लिए। और ये हमारे कुछ टीचर्स हैं सामने बैठे हुए हैं, जो आपको मांदर बजाने सिखाते हैं, गाना के राग ताल सब बताते हैं, और अपने भाषा को सीखने के लिए कि
के बारे में भी बताते हैं। ये हमारे सारन बाबा जो दाहिने साइड में है, ये देखिए ट्राइबल कल्चरल सेंटर का एक देखिए नज़ारा देख लीजिए। यहाँ देखिए बहुत दूर दूर से लोग घूमने के रूप में भी आते हैं, क्या कि यहाँ एक छोटा म्यूजियम भी है और यहाँ लोग पढ़ने भी आते हैं, अपने संस्कृति के बारे में, अपना कला के बारे में, अपने वाद्य यंत्र के बारे में, मतलब आदिवासी समाज के जो भी सामग्री इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी आपको मिलती है, उसी चीज़ की यहाँ पढ़ाई होती है। अब देखिए थोड़ा शाम भी हो चुका है, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखिए घूम लेते हैं। इसका आप भी एक बार अपने परिवार के साथ ज़रूर यहाँ आए इस म्यूज़ियम में। देखिए यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए आप लोग को लाल और सफ़ेद रंग के वस्त्र में लोग घूमते नज़र आ रहे होंगे, और ये लाल और सफ़ेद वस्त्र उराव जनजाति की एक पहचान है, और आदिवासी समाज के उराव जनजाति के लोग हर पर्व त्यौहार में इस रंग का वस्त्र को पहन के निकलते हैं, अपने पहचान को बचाए रखने में एक अहम भूमिका निभा। हम लोग शाम हो चुका है, देखिए अंधेरा छा गया है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए यहाँ हमारे कुछ टीचर्स लोग किस प्रकार यहाँ अपना गाना के बारे में थोड़ा सा लय को डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से बजाया जाता है, गाया जाता है। यहाँ स्क्रीन के माध्यम से भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, यहाँ सुविधा पूरा व्यवस्था है यहाँ सीखने के। यहाँ मतलब देखिए फिर यहाँ लोग अब वहाँ कुछ ताल उल सीखने के बाद यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ लोग अखड़ा है, इसको धुमकुड़िया भी बोलते हैं, जैसे जहाँ भी मतलब नाचने का एक स्थल होता है उसको हम लोग धुमकुड़िया बोलते हैं। तो ये देखिए धुमकुड़िया में अभी प्रैक्टिस चल रहा है लोग का थोड़ा थोड़ा, तो आप यहाँ एक बार आप ज़रूर घूमने आए। ये जगह झारखंड के जमशेदपुर में है, ट्राइबल कल्चरल सेंटर, वहीं आप यहाँ देखिए लोग पूरे अपने मस्त ताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं और मज़ा भी ले रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले कोई रोमांचक जगह चाहे कोई स्थल में। चलिए धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ देखिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अंधेरा भी छा चुका है, इसलिए लोग सभी लोग जाने की भी तैयारी कर रहे हैं।